हाय गाइस, कृष्णा की रसोई में आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सैंडविच, जो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं। उसके लिए मैंने दो आलू उबाल के लिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 मिर्च लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच जीरा, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 चम्मच गरम मसाला ऐड करके और इसे हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने गरम मसाला ऐड कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद देखो, ये मैंने स्लाइस में कटे हुए गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लिया है, और 4 ब्रेड लिए हैं। और इस ब्रेड पे हम दो ब्रेड पे दोनों तरफ ही आलू का मसाला इस तरह लगा देंगे, और बीच में ये जो स्लाइस में कटे हुए गाजर, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च है वो लगा देंगे। उस लगाने के बाद उसके ऊपर हम चीज़ लगाएंगे, चीज़ डाल देंगे। चीज़ डाल के दोनों ब्रेड को इस तरह से हम मिला देंगे। और देखिए, हमारा सैंडविच बनने के लिए ब्रेड बनके तैयार हो गया है। इसी तरह हम दूसरे ब्रेड के दो ब्रेड पे आलू लगा लेंगे, बीच में स्लाइस में कटे हुए गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च ये सब लगा के और चीज़ लगा के इसी तरह हम मिक्स कर देंगे। ये सैंडविच बहुत ही जल्दी बनते हैं, बहुत ही हेल्दी बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, इसी तरह हमने दूसरी ब्रेड भी सैंडविच बनाने के लिए तैयार कर लिया है। इसी तरह हम सारी ब्रेड को पहले तैयार करके रख लेंगे, फिर हम सैंडविच बनाएंगे। देखिए, ये हमारी तैयार करके हमने रख ली है। इसी तरह हम दूसरी ब्रेड पर भी मसाला लगा के और बीच में ये स्लाइस जो वेजिटेबल्स लिए हैं इन सबको लगा के, चीज़ लगा के और तैयार करके रख लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी और बहुत ही जल्दी सैंडविच बनके तैयार हो जाता है। अगर आप घर में एक बार बना के खाएंगे तो बाज़ार से लाकर बाहर से जाकर खाना भूल जाएंगे। देखिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं सैंडविच। इसमें हमने देखो सारे ब्रेड तैयार करके रख लिए सैंडविच बनाने के लिए। अब सैंडविच मेकर में चलते हैं हम। इसमें हम ऑयल लगा लेंगे अच्छे से, ताकि ब्रेड जब गर्म हो तो ब्रेड और मसाला चिपके ना, इसलिए हम अच्छे से सैंडविच मेकर में पूरी तरह से ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसमें दोनों तरफ मैंने छोटी ब्रेड ली है क्योंकि मेरा सैंडविच मेकर छोटा है, आप तवे पे भी सैंडविच बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम इनको सैंडविच मेकर में रख के और बंद कर देंगे। 2 मिनट में हमारे सैंडविच बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए, हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा सैंडविच बना है। अभी इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए, अभी गर्म है इसलिए मुझे इसे पकड़ के निकालना है। ये देखिए, हमारा सैंडविच बनके तैयार हो गया। दूसरे को भी हम इसी तरह रख देंगे और इस सैंडविच की अब हम कटिंग करते हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा टेस्टी और हेल्दी सैंडविच बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। अब हम इसे इस तरह से काट के रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा उस सैंडविच बना है। देखिए, इसमें चीज़ मसाले सब भर के और तैयार किए, बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। देखिए हमारा सैंडविच कितना अच्छा बन के तैयार, इसे हरी चटनी और केचप के साथ आप